सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को इंजीनियरिंग टेक ऑफ इंडिया और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो आप सबसे पहले देखें। हेलो दोस्तों, मैं वापस आया और आपके लिए नया इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूं जो कि वीएमसी के प्रोग्राम के बारे में। दरअसल आज हम बात करेंगे करंट साइकिल में यूज होने वाले दो कंटेंट के बारे में, G98 और G99। इसका सही इस्तेमाल आपको कैसे करना है और आपके मशीन का साइकिल टाइम कैसे सेव करना है, ये वीडियो में आज मैं बताऊंगा। और मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ताकि और भी ऐसे आपको इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिले। तो चलिए, तो आज इस वीडियो में देखेंगे हम G98 और G99 का सही इस्तेमाल आपको कैसे करना है और आपका मशीन का साइकिल टाइम कैसे सेव करना है। इसके लिए मैंने रेफरेंस के लिए यहाँ पे दो ड्राइंग लगाए, उसमें आप ऊपर वाले जो देख सकते हैं मैंने एक सिंबल भी क्रिएट किया है, उसके लिए जेड एक्सिस मूवमेंट दिखा है वहाँ पे। मतलब आप G98 पे जेड एक्सिस कैसे ट्रैवल करेगा, तीन यहाँ पे सपोज आपको तीन होल करने हैं, तीनों का डिस्टेंस 20 mm है, सेंटर डिस्टेंस दोनों में सेम है, कुछ फर्क नहीं है, लेकिन जो जेड एक्सिस का जो G0 में जो ट्रैवल होगा रैपिड में, उसको आपको एक ड्राइंग के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पे देखिए, पहला वाला है G98, प्रोग्राम तो दोनों में सेम ही रहेगा, आप ऊपर देख सकते प्रोग्राम में कुछ भी चेंजेस नहीं है, लेकिन जो G98 और G99 में जो बड़ा डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो पहले वाला हम देखेंगे G98, इसमें क्या होता है, टूल ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद इनिशियल लेवल पे जाता है। इनिशियल लेवल क्या होता है, जब हम G43 पे जो लेवल क्रिएट करते हैं उसको इनिशियल लेवल कहा जाता है, मतलब रेफरेंस पॉइंट के ऊपर जो लेवल होती है उसको इनिशियल लेवल कहा जाता है। तो उसमें देखिए यहाँ पे G98 में क्या होगा, जो भी टूल मशीनिंग होने के बाद है वो इनिशियल लेवल पे जाएगा, फिर वहाँ से फिर आगे का डिस्टेंस लेके फिर मशीनिंग करेगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन होल हो चुके हैं, लेकिन ये एक्सिस मूवमेंट 6 बार हुआ है कम से कम, मतलब पहला होल नीचे जाने के लिए, फिर ऊपर आने के लिए, फिर वो ट्रैवल करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर मशीनिंग करेगा, फिर ऊपर जाएगा, बाद में फिर दूसरे डिस्टेंस पे जाएगा, फिर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, मतलब 6 बार आपको जेड एक्सिस को ट्रैवल करना पड़ेगा ये तीन होल करने के लिए G98 में। G99 में क्या होगा, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, सेम ड्रिल करना है आपको, दोनों में को डिस्टेंस सेम है, सब सेम है, लेकिन ट्रैवल देखिए सिर्फ ये एक बार नीचे आएगा और दूसरी बार ऊपर जाएगा, ये आर पॉइंट लेवल पे रुकेगा और वैसे दूसरा डिस्टेंस पे जाएगा और वैसे ऊपर आएगा टूल। मतलब आपका जो 6 बार यहाँ पे जेड एक्सिस मूवमेंट हुआ है, यहाँ पे सिर्फ 2 बार मूवमेंट होगा, तो ये यहाँ पे आपका साइकिल टाइम यहाँ पे सेव हो सकता है। लेकिन ये कब करना है आपको, जब दूसरा ड्रिल आपको सेम लेवल पे करना है, सेम लेवल पे मतलब एक ही प्लेन में करना है, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है टूल को, उसी जगह आपको G99 का इस्तेमाल करना है, ये समझ लीजिए। कृपया मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि ये पहले समझ लीजिए, आपके कंपाउंड पे समझ लीजिए, उसके बाद में ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि उसका, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को, अगर मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।